हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग गांव का है क्योंकि इस टाइम मैं गांव में हूँ। ये देखो गाइस, जो पीछे आप देख रहे हो ये लीची का पेड़ है। तो गाइस, बाकी सामने नदी है, दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो भाई, ये है अपना प्यारा गांव जहां आके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये लीची का पेड़ है, और इसके साथ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आम का पेड़ है जो कि हर जगह होता है। ये लीची का गाइस, इस टाइम लीची है नहीं, इसमें लगे नहीं है क्योंकि मई के टाइम में होता है लीची का सीज़न। और गाइस, मैं आपको नदी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, जो बिहार की सबसे बड़ी नदी है ये बूढ़ी गंडक, जो नेपाल तक जाती है। अभी तो पानी कम है, जब बाढ़ आता है तो पूरा ऊपर तक भर जाता है गाइस, ये पूरा पानी पानी हो जाता है, इस साइड समुंदर बन जाता है पूरा। तो ये है भाई घिया, जो कि बहुत ही ताज़ा है। अभी इसको तोड़ के ले जाएंगे, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। गांव में रहने का यही फ़ायदा है, हर चीज़ ताज़ा ताज़ा, जो दिल करे खाने का पेड़ से तोड़ लो, खेत में जाके तोड़ के ले आओ ताज़ा ताज़ा। और ये है बड़ा नींबू बोलते हैं, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, किसी किसी को पता होगा जो गाँव साइड के लोग होंगे। ये भी संतरे की तरह ही होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये उसके तरह ही पक जाते हैं, पीले पीले होते हैं अंदर, वैसे ही होता है मीठा मीठा सा जैसा संतरा होता है। भाई, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।